राइस एंड स्पाइस, सिंपल रेसिपी है, ठीक है। उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, तो बस इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा ये गल जाए। चलें जी, अच्छा बस इसको सिंपल निकालेंगे और उसके बाद हमने इसको दम पे रखना है। हरी प्याज, शिमला मिर्च, एक अदद हरी मिर्च, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जो स्पाइस चाहेंगे, थोड़ा सा नमक, नमक आपने डाल देना है, बॉयल करते वक्त भी हमने डाला था, सही है। उसके बाद ये जाएगी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स इस तरह से, ताकि मिक्सिंग सब चीज़ों की हो जाए, नमक और बाकी चीज़ों। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा येलो फूड कलर, लेकिन मैं बाद में इसलिए डालूंगी कि थोड़ा, ताकि ये पूरा फैल ना जाए। बाकी ये रेडी हो चुके हैं, इसलिए कि बॉईल करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिए थे, तो ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पर, ये है येलो फूड कलर, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा एक ड्रॉप आपने पानी का डाल देना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सही है। अब इसको मैं क्या करूँगी, निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये येलो फूड कलर थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया था, अब इसको निकालेंगे। यहाँ पर आपने बंद कर देना है इसका चूल्हा। ये देख लीजिएगा, इस वक्त आपको नज़र आ रही है शिमला मिर्च वगैरह, ये ग्रीन ग्रीन सी है। इसको हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि ये जो है ना फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो बस हल्का सा एंड में आपने डालना है, ताकि वो जो इसका क्रंची है वो भी रहे और इसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो भी रहे। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, इसको बस निकाल लेते हैं। राइस एंड स्पाइस, अरसा, उबले चावल आधा किलो, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 1 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी।